वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे चैनल तारा नेगी पे। जो भाई बहन इस चैनल में नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं तारा नेगी उत्तराखंड जिला नैनीताल कॉर्बेट रामनगर से हूं दोस्तों। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 बजे से, और आज हम खा रहे हैं गन्ना। और मतलब हमने दिवाली के बाद से हमारे यहाँ गन्ना खाया जाता है और हमने बिल्कुल भी मतलब गन्ने को भी चखा नहीं है, तो आज हमारा फर्स्ट टाइम है। मीठा है लेकिन कुछ खास मीठा नहीं है। क्यों पांडे जी, कैसा लग रहा है आपको? मीठा लग रहा है? दांत बेकार हो गए हमारे दांत बेकार हो चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ उतना स्वाद नहीं है। और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है इस समय, तो मैं यहाँ पे गेट के कोने पे आई हूँ गन्ना खाने के लिए। अरे छिला भी नहीं जा रहा है, दे दो। क्या दराती दे दे। दे रही हूँ। कैसा लग रहा है इसका स्वाद? लग रहा है मीठा? ये पांडे जी भी खा रहे हैं हमारे, इनसे छिला नहीं जा रहा है तो दराती मांग रहे हैं, इनको दराती दे देते हैं। ये लो पांडे जी दराती। ये पांडे जी का स्टाइल सही से हाथ नहीं काटना। अब मीठा नहीं लग रहा मुझे तो, तुझे लग रहा मीठा ये? हाँ। बहुत मीठा लग रहा है, तूने गन्ना नहीं खाया भी शायद। बहुत मीठा होता लेकिन ये इतना मीठा नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग खाते हैं गन्ना, और खा रहे हैं हम गन्ना। पेट भर गया, भर गया हमारा पेट, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गन्ना खा दिया है। पांडे जी खा रहे हैं आराम आराम से, स्वाद के लेते हुए, आनंद विभोर होके। पांडे जी मज़ा आ रहा है खाने में? एवन हो रहा है मस्त। पांडे जी के मन को भाग गया है गन्ना, और वाकई में गन्ने में इतना ज़्यादा रस था लेकिन थोड़ा सा मीठा कम था मेरे अकॉर्डिंग, इसको सही लगा है। तो पांडे जी हमारे इंजेक्शन लगा तो पांडे जी खा रहे हैं और हमने काफ़ी हद तक खा लिया है गन्ना। खा खा के यहाँ पे मक्खी मक्खी कर दी है और पूरा टोकरा भर दिया है ना अकेले खा खा के। मैं तो थोड़ा सा खाया और ये पांडे जी ने छक करके खाया है। ये देखिए हमारे पांडे जी का चेहरा देखिए, जरा तारे गिनते हुए ऊपर धरती पे गन्ना खा रहे हैं। पहले से हम लोग गन्ना खाते थे ना, स्कूल जाते थे तो स्कूल के बगल में हमारे गन्ने के खेत होते हुआ करते थे, तो हम स्कूल से आते ही छुट्टी होते ही सीधे गन्ने के खेत में चले जाते थे और एक एक गन्ना पकड़ के इतने बड़े बड़े पीस खाते खाते घर तक आते थे, और जितना बचता था उसको नहर में बगा देते थे। और इस तरीके से हमारा रोज़ चलता था, क्योंकि वहीं स्कूल के बगल में ही हमारा गन्ना का खेत था, तो हम वहाँ से तोड़ तोड़ के खाते रहते थे सारे बच्चे, हम लोग आते रहते थे। पता है पढ़ने की तुम्हें? और कितने बार तो हमने स्कूल भी बंक किया है गन्ना खाने के चक्कर में, भाग के जाते थे स्कूल से गन्ना खाने के लिए, फिर घर आके डांट खाते थे। ये कबाड़ी के स्कूल में पढ़ती थी ना, इसलिए A1 स्कूल है हमारे यहाँ के, सरकारी स्कूल है, A1 थे। बहुत मारते थे टीचर, बहुत ज़्यादा। MBBS यहीं के बच्चे बनते हैं। बहुत ज़्यादा मारते थे हमें सर। उई मम्मी क्या बोलते हैं, चींटियाँ कहाँ से आई इतनी सारी? ये पता नहीं उस पर आ गई, और यहाँ पे इतनी सारी चींटियाँ आ गई ने मुझे डरा दिया। ये किरमोली किरमोल हो गए यहाँ पे, इतनी सारी एकदम से कहाँ से आई हैं? ये गन्ने पे थी शायद, ये देख यहाँ इस पे है, ये यहाँ से आ रही मीठे पे ना, ये मीठे पे लग गई बहुत ज़्यादा चींटियाँ। अरे यार हमने ध्यान नहीं दिया। ओह ये गन्ने के उससे आ गई हैं यहाँ पे चींटियाँ। और ये है यहाँ पे फूल गोभी की खेती की गई है, और बहुत सुंदर लग रही है देखने में। अभी इसमें गोभी आई नहीं है, सिर्फ पत्ते पत्ते हुए हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं भी तो ये आधे बीघा में पूरा खेती की गई है, ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हरा भरा खेत, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और चले हैं हम और पांडे जी, हम और पांडे जी अपने गांव का सुंदर नज़ारे देखने के लिए। ये देखो इनकी हरकतें, क्या है ये ये गाना गाते हैं पांडे जी, क्या नज़ारे हैं। और ये देखिए, और ये हमारे यहाँ का, कहाँ गए हमारे सूरज भगवान, फोन में दिख नहीं रहे सही से। और ये हमारे यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारे, ये देखिए पांडे जी कह रहे हैं बहुत सुंदर है गांव हमारा। पांडे जी आपको सुंदर लगा हमारा गांव? ये तो मग्न विभोर हो गए गाने में, गाते गाते एक सिचुएशन इनको ऐसी मिली है तो ये बहुत सुंदर गाना गा रहे हैं,
क्या नज़ारे हैं, क्या वादियां हैं। ये देख रहे हो ये हरकत, ये मोटू है हमारा, ये देखो ये मोटू की हरकतें देखो हमारे। सारी पहलवानी ये मेरे लिए ही रखी है इसने। और बाहर कहीं लड़ लोगा हो तो कुछ बोल लोगा हो तो तब नहीं ये लड़ेंगी, हाँ, ये तब ये शांत बन जाएंगी। आइए आपको मैं यहाँ का नज़ारे दिखाती हूँ अपने खेतों के। यहाँ पर सबने गेहूँ बो लिए हैं और बिल्कुल प्लेन ऐसा लग रहा है। वो जो उधर की रोड है वो भी साफ क्लीन दिख रही है। ये देखिए गाइस, ये सूरज ढलता हुआ हमारे यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। ये देखिए एक होटल यहाँ पे भी बन रहा है बहुत बड़ा। ये पांडे जी को बाग दिखाने के लिए, क्योंकि आजकल बाग बाग बहुत हो रहा है, तो पांडे जी की इच्छा थी चलो बाग देखने चलते हैं। हमने कहा चलो चलते हैं बाग देखने, थोड़ा दो दो हाथ हो जाए बाग से, है नहीं है पांडे जी। और हमारे पांडे जी हैं बॉडी बिल्डर इंसान हुए। बस थोड़ा सा कैमरे में ये शर्मा जाते हैं। और ये हम इधर इसीलिए आए थे, हो गया कि इधर बाहर से कट होगा, बट यहाँ जाएगी और अभी आगे भी कुछ बनाएगी। ये इस तरीके से चावल की रोटी बनाई जा रही है। उसके लिए सबसे पहले मम्मी ने हाथों में गोला लिया है, आटे का थोड़ा सा गोला लिया है, और इस तरीके से इसको मम्मी कर रही हैं। ये टूटता भी रहता है तो इसके लिए इसमें बीच बीच में से थोड़ा सा पालथून लगाना पड़ता है, कोरा आटा जिसको हम बोलते हैं। और ये मम्मी की रोटियां भी इस तरीके से बन रही हैं। और कोयले होते हैं तो कोयले को सही से एक साइड को लगा के उसमें रोटियां सेकी जाती हैं। इस तरीके से ये रोटी बनाई गई है। धीरे धीरे इसको रोटी को थोड़ा बड़ा किया जाता है क्योंकि ये टूटते रहती है, तो बहुत ही से सॉफ्ट तरीके से हम लोग बनाते हैं और आराम से बिल्कुल प्यार से ये रोटी को हल्के हल्के बड़ा किया जाता है इस तरीके से घुमा के। और अब ये इस तरीके से इसे पथेला जा रहा है, ये धीरे धीरे प्यार से हल्के हाथ से बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा करके इसे बड़ा किया जाता है ताकि ये टूटे ना। और बीच बीच में अगर ये जैसे चिपक रहा है, टूटने का डर लग रहा है, तो हम जो नीचे कोरा आटा रखा हुआ है उससे हम लोग इसको बनाते हैं। और ये अब धीरे धीरे इस तरीके से बड़ी हो गई है रोटी। और एक रोटी वहाँ पे जो तवे में रखी है सेकी है, उसको हम कोयले में डाल देते हैं नीचे को ऐसे इस तरीके से। और जो ये हाथ की रोटी है इसे हम तवे पे रख देंगे ये। और ये गाइस ये देखिए ये बन गई है फर्स्ट क्लास रोटी। और वो पकने के तवे में पकने के बाद इस तरीके से हम लोग साइड पे कोयले में इसको अच्छे से पका लेते हैं। और चूल्हे की रोटी का स्वाद जो है बेहिसाब, बे मतलब कोई उसका कोई तोड़ ही नहीं है, इतना स्वाद होती है। और हल्की सी ये रोटी क्या होती है, कोई मोटी बनाता है वो भी स्वाद होती है, किसी को पतली कुरमुरी जैसी पसंद होती है तो उसके लिए पतली बनाई जाती है। और इस तरीके से प्रॉपर हम चूल्हे में बनाते हैं, इसे बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज की गरम गरम रोटी हमारी बन गई है और इसको इस तरीके से पलटा लिया है। चूल्हे की गरम गरम रोटी हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। और ये अभी हरे धनिया का जो नमक होता है उसमें और टेस्ट बढ़ जाता है, इसका बहुत टेस्टी लगता है हम लोगों को। और चलिए हम चलते हैं अंदर। गरम गरम चूल्हे की रोटी का स्वाद मतलब ये ऐसा है कि कुछ आप अगर आप इसमें नहीं भी खा रहे, एक सिंपल सा नमक मिला के भी खा रहे हो, तब ये बहुत टेस्टी बनती है। और चलिए चलते हैं। और आज हम बना रहे हैं आलू और मटर की सब्ज़ी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा ही ब्लॉग हो गया है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नए कमाल और धमाल के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय।